मिला ना प्यार जिसे माँ का उम्र भर उसको हर एक चेहरे में बस माँ दिखाई देती है। रब पे हम पर करम नहीं होते, माँ ना होती तो हम नहीं होते। माँ से अच्छी मेरे भगवान की सूरत ही नहीं, माँ है मौजूद तो मंदिर की जरूरत। दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है। कोई भगवान हो रहमान या सुल्तान कोई, माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील जोगी। मेरी कविताओं को मिले आपके बेशुमार प्यार का बहुत बहुत आभार। भगवान ने जब सोचा कि वो हर घर में नहीं रह सकता तो उसने माँ बनाई और अपने प्रतिनिधि के रूप में हर घर में भेज दी। जरा सोचें कि माँ हमारे जन्म के समय क्या क्या कष्ट उठाती है, अपनी जान तक दांव पर लगाती है, कैसे कैसे हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, और हम बड़े होकर माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी सेवा करने से बचते हैं, कई बार उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ाते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो उनकी भरपूर सेवा करें, उनके आशीष लेकर घर से बाहर निकलें, और अगर देह रूप में विद्यमान नहीं है तो वर्ष में एक दिन उनकी स्मृतियों को समर्पित करें, उन्हें याद करके अपनी श्रद्धांजलि दें। आपका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहेगा और आपके बच्चों में संस्कार आएंगे। मैं आपको माँ पर एक कहानी नुमा कविता सुनाता हूँ, अगर अच्छी लगे तो इसे सबको फॉरवर्ड करें और मुझे अपनी प्रतिक्रिया मेरे मेल आईडी sunil.jogi@gmail.com पर जरूर भेजें। संपूर्ण मातृशक्ति को सादर प्रणाम सहित आपका सुनील जोगी। जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख तारा कहती थी, मैं बनू बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा।